तो ये है हमारा प्रैक्टिस हॉल, शायद कुछ फंक्शन हो रहा था यहाँ पर। ये है तिम्बादुर जी, अब हम खोल दीजिए। हमारा साउंड सिस्टम सब ऊपर और मिक्सर कुछ था। देख सकते हैं आप, हम लोग हमेशा यूट्यूब पर अभी लिपाई पोटाई कर रहा है अपने पेज पे। आज हम लोगों का इंटरव्यू होने वाला है तो इसीलिए कर रहा है, पेंटिंग मार रहा है और हम लोग पेंटर आप देख सकते हैं। पेंटर बोल दे। आर्टिस्ट काफी मतलब आर्टिस्टिक वे में पेंट कर रहे हैं और देख सकते हैं नेक्स्ट पर्सन जो रेडी है यहाँ पे पेंट करने के लिए। और ये है मिस्टर, आप सभी जानते हैं इसको, आप गेस कर सकते हैं ना, गेस दीजिए क्या है आपका नाम, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको कुछ पूछना है आपसे, बताइए क्या पूछते हैं आप। अभी इतना फ्रेश लग रहे हो आज जी, मास्क खोलो, मास्क खोलो, मास्क खोले। अच्छा ठीक, इतना फ्रेश लग रहे हो आज, मतलब कैसा लग रहा है आज, बहुत मतलब अभी नेक्स्ट तुम्हारा आपका जो मतलब अभी लिपाई पोटाई होने वाला है उसके लिए वेट कर रहे हैं, काफी उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड हूँ। ज्यादा एक्साइटेड ठीक है, हम एक्साइटेड नहीं ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो बैक टू आवर यूट्यूबर अजय, बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो हम आपको बाद में भेज देंगे। सुबह एक नील आया ना ऑनलाइन से, बहुत बोले हम डर गए, इतना ऊंचा होगा हमने सोचा था, हम तो बहुत टेंशन हो गए, मतलब वो है प्लेटफॉर्म है लेकिन ऊंचा है। सिर्फ कपड़ा का ही मत खेलो, सुबह सुबह कहाँ से आया था, बोला गुज्जो ऑनलाइन से, गुज्जो आया था, देखेंगे अब मुझे पराठे को इंसान का शक्ल देखा, बड़ा धूली होता है घर में, पहने पहले पूरा धूली। अब स्कूल से आ रहे हैं? हाँ तो सर, तुझे लाहौल बोल रही हूँ, जो धूल है अभी वो रास्ता में ना, तुम लोग देखने के पागल हो गया, वाह मेरे लिए लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत कम हो गया, ये प्रोसेस में गायब होने का, ये देखेंगे अभी बिफोर है, उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर से देखते हैं हम लोग कैसे हमारा आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, आर्ट कैसे बनाते हैं। आपको रेंट कब तोड़ कर दो, कैसे इनवाइट किया आपको, उसे इस बार आ रहे हैं आप किस शहर, तवांग में इंतजार है 26th of March, हम भी उन लोगों का लाइव में फोटो खींचने वाले। हेलो दादा देवा, जब तक तो फोटो नहीं है तो दुनिया चलो, हाय अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम करीम है, मैं जोलंग विलेज ईटानगर से हूँ एंड आई रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट पापंबारे। और आप साइलेंस अंकुर, तो फाइव फाइनलिस्ट, तो अभी आप अरुणाचल आइडल सीजन 5 के, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं फाइनलिस्ट बन पाऊंगी, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिनाले। और आई होप कि बहुत जोरों से प्रैक्टिस कर रहा होगा, बहुत ही जोर से। और फिनाले कहाँ पे हो रहे हैं? फिनाले इस बार होगा तवांग में, जो कि ये पहली बार हो रहा है अरुणाचल आइडल का हिस्ट्री में कि हम कैपिटल से बाहर कोई डिस्ट्रिक्ट में फिनाले करने वाले हैं, तो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। और कुछ कहना चाहोगे हमारे जनता से?
जनता को तो मैं जितने बार भी थैंक यू कहूँ मेरे लिए कम है. उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी और उन्हीं के सपोर्ट और प्यार के वजह से मैं अब एक फाइनलिस्ट में से एक हूँ. सो आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस फिनाले के लिए और हाँ सी यू देयर. हाय टिम्बर, आप अभी टॉप फाइव फाइनलिस्ट में से एक है अरुणाचल आइडल सीजन फाइव का, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ. फाइनल में पहुँच गया हूँ, इतना लंबा सफर था मतलब काफ़ी ज़्यादा okay. बहुत कुछ सीखने को मिला रास्ते में. और बहुत लोग आपको मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक यंग स्टार आपको फॉलो करते पसंद करते, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगे? सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा. और हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा, आगे भी फ्यूचर में हो पाएगा तो कुछ म्यूजिक व्यूजिक निकालूंगा. इन केस अगर निकालूंगा तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा. और फिनाले में आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हो? फिनाले में हम लोग कुछ डांस नंबर्स लेके आए हैं ताकि ऑडियंस लोग जम के डांस कर सके, तो मतलब बहुत ही मज़ेदार होने वाला है फिनाले में. ऑल द बेस्ट, हम जरूर देखेंगे, जरूर एंजॉय करेंगे, हम नीचे से नाचेंगे स्टेज के नीचे से. ऑल द बेस्ट फॉर फिनाले, बेस्ट विशेस. ओके, आप टॉप फाइव फाइनलिस्ट में से एक हो अरुणाचल आइडल सीजन फाइव के, तो आप कैसे महसूस कर रहे हो फिलहाल? बहुत खुश लग रहा है, उसके बाद अच्छा रहा. और आप फिनाले में क्या परफॉर्म करने वाले हो? फिनाले में अभी तक तो मतलब तीन गाना रेडी करने के लिए बोला है, तो 2005 से पहले एक ट्रेडिशनल गाना होगा, उसके बाद समीर हो एक गाना होगा, उसके बाद एक डांस नंबर गाना होगा. सो आज का शूट कैसा रहा? आज का शूट बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. नया नया कैमरा का सामने में एक दो घंटा बैठने में. और मेरा मेकअप कैसे था? मेकअप अभी भी जल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट पीस था आज का, पर अच्छा ही था मेकअप. सो दामचिंदा मेरा पहला इस पीस जिसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया. थैंक यू सो मच एंड फिनाले के लिए ऑल द बेस्ट. और धौंग बहुत ठंडा होने वाला है, गर्म कपड़ा लेके जाना, ठीक है? बेस्ट विशेस, बाय बाय. हाय राधे. अच्छा तो अब फिनाले में क्या परफॉर्म करने वाले हो? वो तो सीक्रेट है, पर हम बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस लेके आएंगे आपके लिए. वाओ, ऑल द बेस्ट फिनाले के लिए. और टोंग बहुत ठंडा होने वाला है और कुछ गर्म कपड़ा लेके जाना. हाँ, थैंक यू. और आपके साथ आपकी बीवी, सॉरी नॉट बीवी, आपके बेबी साथ में जाएगा ना? मेरे साथ अब तक तो हम सोचे हैं कि साथ में लेके जाएंगे, पर देखते हैं सिचुएशन क्या होता है, साथ में लेके जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है गजर और बहुत ठंड रहेगा ना, तो उसके लिए. ओके, तो राधे जैसे कि हम जानते हैं कि आप न्यू मॉम हैं, लाइक न्यूली, लाइक आपका बेबी बस एक साल ही हुआ है जी, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? जब सिचुएशन आता है और आप जब डिटरमाइंड रहते हो कुछ चीज़ करने के लिए, तो आप हो जाता है, आपका सब कुछ मैनेज हो जाता है. और जब अच्छे फैमिली मतलब इतने सपोर्टिव फैमिली मिलते हैं जब आपको, तो हो जाता है. हाउ स्वीट. और काश हर लड़की को आपका जैसे मतलब आपका ससुराल जैसे मिले. इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी मैरिड वुमेन हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ काबिलियत है और आप कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ करिएगा. और बाकी बात में देखेंगे, देखना कि आपको फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले आपको खुद स्टेप लेना होगा कि आपको करना है कि नहीं. वाओ ग्रेट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिनाले. और हम जरूर आपके परफॉर्मेंस में नाचेंगे. थैंक यू, बेस्ट विशेस. अब अभी किसका किसका जैसे बुलाया? बहुत बढ़िया. तो टॉप फाइव में आके आप कैसे फील कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा फील कर रहे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ओके, और आपका? आर यू सिंगल? या आई एम सिंगल, प्योर सिंगल. अभी ये सबको बताना पड़ेगा ऑलबम इज सिंगल करके ना, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी सारे लाइक फीमेल लाइक फैंस आपके फॉलोवर्स में बहुत ज़्यादा है, और वो लोग अभी देखेंगे कि यू आर सिंगल. कंफर्म कर लिया, ऑलबम सिंगल है. ओके, तो फिनाले टाउन में होने वाला है, तो बहुत ठंडा होगा, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए आप मतलब प्रिपेयर है ना? हाँ, विंटर है अभी, ठंडा है, और परफॉर्मेंस के लिए कैसे प्रैक्टिस चल रहा है? प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा चल रहा है. तीन गाना गाने को हम लोगों मिलेगा, तो उसमें से एक गाना एक है ट्रेंडिंग सॉन्ग है श्रीवल्ली, जो हम उसका इस्तेमाल हम लोग सब साथ में करेंगे.
जरूर जरूर, हम स्टेज के नीचे से हम सब नाचेंगे बैक स्टेज में, ठीक है? एंड बेस्ट विशेस फॉर फिनाले, और आप कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूवर्स से? जितने भी सपोर्टर्स हैं, हमें जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फ्यूचर में ज़रूर मैं अपना भी एक कोई ओरिजिनल सॉन्ग ज़रूर लाऊंगा, तो उसको भी ज़रूर प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओबम, ऑल द बेस्ट। तो ये था हमारा टॉप 5 फाइनलिस्ट, और हमारा शूट ख़त्म हो गई है और हम निकलने वाले हैं यहाँ से। आज का इंटरव्यू कैसे था? आज का इंटरव्यू कैसे था? बहुत बढ़िया। सो हो गई हमारा इंटरव्यू शूट विद टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 5, एंड राइट नाउ आई एम हियर इन लश ब्रो बार, नेल साफ करने आए थे। You can see so many products here. आप अपने नेल्स बना सकते हैं यहाँ पे। पेडिक्योर मेडिक्योर। Done with interview shoot with top 5 finalists of Arunachal Idol season 5. And right now I'm here in Lush Bro Bar, Lush Bro Bar Academy. Lush Bro Academy, Blue KFC Itanagar. Thank you everyone. So that's it for today. Vlog bolega na kya bolega? Kya ho raha hai? Kuch nahi. Chalo, bye bye, bye bye.